तो आ गए आप। हेलो गाइस, कैसे हो? सर सर, आशा करता हूँ कि बड़े हो गए। तो मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत है फूड किचन हिंदी में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में बनाने वाला हूँ मैं मलाई कोफ्ते। तो सिंपली मलाई कोफ्ते को मलाई कोफ्ते क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ? तो मलाई कोफ्ते को मलाई कोफ्ते इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्रेवी बनती है उसकी वो मलाई से बनती है। मतलब क्रीम से बना सकते हो, फ्रेश मलाई से जो दूध से निकलती है ना उससे भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ग्रेवी होती है। और जो कोफ्ते होते हैं वो कोफ्ते बनाए जाते हैं पनीर से और उबले हुए आलू से, तो उन्हें फ्राई करते हैं और कोफ्ते बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सेम रेस्ट्रो स्टाइल मैं आज बनाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, आपको अपनी मम्मी के समय ज़रूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्लेट ली हुई है, उसमें डालो ये ग्रेटेड पनीर। इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, 100 ग्राम ये पनीर था। उसके बाद यहाँ पर 2 उबले हुए आलू हैं, इसे मैंने उबाल कर छील कर और पीस लिया है, ग्रेट कर लिया है। उसके बाद डालूँ तो मैदा, उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर हरी मिर्च फाइन चॉप, उसके बाद डाल रहा हूँ यहाँ पर धनिया, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है मैंने। तो लाल मिर्च पाउडर को आप देख लो, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल लो, वैसे तो आपको ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। तो उसके बाद डाल दिया था मैंने यहाँ पर अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, नमक डाला है स्वाद अनुसार, और इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा को हमने एक साथ नहीं डालना है, मैदा को मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 1-1 चम्मच डालो। उससे क्या होगा कि अगर आपको ज़रूरत है मैदा की, मतलब जो हम डो बना रहे हैं इस तरह से, तो उसमें ज़रूरत है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मत डालिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच डाला है, तो फिर से इसे मिक्स कर लूँगा मैं अच्छे से। एक डो ही तैयार कर लेना है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल डो बनकर ये तैयार हो चुका है। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हाथों की मदद से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो बना ली मैंने हथेली की मदद से। इसी तरह से आपको बॉल्स बना लेनी है। तो आप कोफ्ते का शेप साइज कैसे भी कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर गोल ही कर रहा हूँ। काफ़ी लोग इसे लंबा लंबा सा भी कर देते हैं, लेकिन गोल कोफ्ते ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से सारी बॉल्स बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए। तो उसके बाद आता है एक और स्टेप। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो कोफ्ते बनाए ना उसके ऊपर मैदा की कोटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि जो मैदा, जो कोफ्ते होते हैं वो फटते नहीं है। जैसे हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे तो उससे फटेंगे नहीं, वरना फट जाते हैं तो वो कोफ्ते अच्छे नहीं हो पाते, उनके अंदर ऑयल चला जाता है और वो कोफ्ते बढ़िया नहीं होते। उसके बाद हथेली से एक बार ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया, थोड़ा सा पहले डो डाला है मैंने चेक करने के लिए ऑयल को, उसके बाद सारे जो कोफ्ते हैं उन्हें डाल दिया है। तो हमें यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करना है कोफ्ते को, सिर्फ शैलो फ्राई करना है बाहर से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो पाते जब तक इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगा। तो सॉरी गाइज, यहाँ पर एक क्लिप डिलीट हो गई थी, आप तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो मैंने सिंपली क्या करा था, एक पैन लिया था, पैन में ऑयल गर्म कर लिया था। तो ऑयल गर्म करने के बाद मैंने हम डाले थे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले मैंने डाला था 4 से 5 लौंग डाली थी मैंने, 4 से 5 हरी इलायची डाली थी मैंने, 4 से 5 काली मिर्च डाली थी, 1 तेज़पत्ता डाला था और 1 मैंने दालचीनी डाली थी और 1 छोटा टेबल स्पून मैंने डाली थी जीरा। तो इन सबको मैंने भून लिया था। तो भूनने के बाद मैंने डाल दी थी यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च कटी हुई। तो उन्हें मैंने थोड़ा सा तो उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी और प्याज को भी थोड़ा सा सौते कर लिया था। तो उसके बाद अच्छे से जो हमने प्याज डाली थी और सारा जो मसाला डाला था उसे सौते कर लेना अच्छे से, और टॉस करते हुए इसे अच्छे से सौते कर लें। तो ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें इसकी एक ग्रेवी बनानी है, प्योरे बनाना है, तो ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। तो सेम रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाने वाले हैं, तो इसके लिए ग्रेवी बहुत मैटर करती है मलाई कोफ्ते के लिए। तो ग्रेवी ही बढ़िया बनानी है हमको। तो उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर टमाटर।
तो टमाटर के साथ ही जाएगा नमक, क्योंकि नमक अच्छे से टमाटर को गला देता है जल्दी से और टेस्ट भी इन्हेंस करता है। जब आप टमाटर डालो उसके साथ बाद ही तुरंत बाद नमक डाल दो। तो उसके बाद इसे थोड़ी सी देर ढककर पका लेंगे, करीब 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट इसे पका लिया मैंने, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं, टमाटर ही गल चुके हैं बिल्कुल। तो उसके बाद 1 से 2 मिनट ऐसे ही खुला भून लीजिए मसाले को, जो भी हमने तैयार करा है ग्रेवी के लिए। उसके बाद कर दीजिए गैस को बंद और थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि ये ठंडा भी हो जाएगा, जैसे हम मिक्सर में डालेंगे तो बाहर निकलने का खतरा रहता है, तो इसलिए ठंडा भी हो जाएगा और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़िया हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है 4 चम्मच ऑयल। उसके बाद सीधा मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी 1 चम्मच, उसके सीधा बाद ही आपको ग्रेवी डाल दे रही है। उससे क्या होता है अगर आप ग्रेवी नहीं डालोगे तो मिर्च के जलने का खतरा होता है, तो कश्मीरी मिर्च डालने के बाद ही तुरंत बाद आपको डाल देनी है ग्रेवी प्योरे जो हमने टमाटर का और मसाले का बनाया था। तो चला लेंगे इसे अच्छे से और 2 से 3 मिनट इसे खुला भुनेंगे। तो उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला क्योंकि कलर भी मेंटेन करना है हमें यहाँ पर। उसके बाद डाला था रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। तो मिक्स कर देंगे इन्हें। तो 3 से 4 मिनट इसे हमें खुला ही पकाना है। उसके बाद मैं इसे ढक रहा हूँ करीब जब तक जो ऑयल है वो सरफेस आउट नहीं होता है। तो काफ़ी देर हो चुकी है इसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑयल है वो सरफेस आउट हो चुका है, जो ऑयल है वो बाहर निकल चुका है, ग्रेवी से ऊपर की तरफ आ चुका है आप देख सकते हो, और जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा पतला चाहते हो तो अब पानी डाल सकते हो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है मेरी ग्रेवी की वो बिल्कुल बढ़िया है, तो मैं यहाँ पर पानी नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर ये कटे हुए लहसुन के रेशे, मतलब लंबा लंबा काट लिया था। उसके बाद डाल दिया मैंने रोस्टेड जो कसूरी मेथी होती है, मैंने उसे भून लिया है और इस तरह से हाथ से मसल कर डाल दिया है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। उसके बाद डाल रहा हूँ जो हमने मलाई, मतलब आप मलाई डाल सकते हो, फूड क्रीम आती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन याद रखना कि फ्रेश क्रीम से ही आपको ये बनाना है। तो मलाई डालने के बाद ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर नमक, तो नमक हमने उसमें जब हमने प्योरे बनाया था उसमें भी डाला था, लेकिन यहाँ पर नमक थोड़ा सा ध्यान रख के डालें। तो नमक डालने के बाद मिला दें इसे। तो आप देख सकते हो कलर भी बिल्कुल बढ़िया आ चुका है, जैसे रेस्ट्रो स्टाइल होता है ना मलाई कोफ्ता, सेम उसी तरह से यहाँ पर कलर भी आ चुका है। तो फिर से इसे ढककर पकाएंगे हम करीब 5 से 6 मिनट। तो ढककर मैंने इसे पका लिया, इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो बस तैयार है हमारा मलाई कोफ्ता की ग्रेवी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो कोफ्ते होते हैं सीधा इसमें डाल देते हैं, तो मैं ये नहीं करने वाला। कोफ्तों के ऊपर आप ग्रेवी डालोगे उससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आप सीधा कढ़ाई में कोफ्ते डाल दोगे तो कोफ्ते बने हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारे, तो कोफ्ते अगर उसमें जाएंगे तो घुल के टूट सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप सर्व करो तो उस ट्रे में या फिर प्लेट में सर्व करो तो उसके साथ ही आपको ग्रेवी डाल देनी है ऊपर से, तभी ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में कोफ्ते रख लिए हैं और उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्रेवी। तो आप देख सकते हो मैंने सारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी गार्निश के लिए क्रीम, फूड क्रीम, फूड क्रीम या मलाई जो भी हो आपके पास।
इससे क्या होता है प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया बनती है। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी जो अदरक के रेशे, ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं, अगर आप इन्हें गार्निश करो अदरक को बहुत बढ़िया लगती है। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं फ्रेश कटा हुआ धनिया। तो तैयार है आपका मलाई कोफ्ता, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, घर पर सिर्फ 20 से 30 मिनट में। तो बहुत बढ़िया लगता है मलाई कोफ्ता, खा के ज़रूर ट्राई करना इसे, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ। कैसी लगी ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते हो तो। इस वीडियो को लाइक मैं रख रहा हूँ 20 लाइक्स, ज़्यादा नहीं है, 20 लाइक्स है, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो 20 लाइक्स इस वीडियो का एम है, तो जल्दी से कर दो इसे 20 लाइक्स, और कमेंट में बताओ कैसी लगी ये रेसिपी, और शेयर कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ जो मलाई कोफ्ता पसंद करते हैं। तो नीचे एक बटन आ रहा होगा रेड कलर का, तो रेड कलर के बटन को अगर आप दबाते हो, और साइड में जो एक बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे भी दबा देना, तो उससे क्या होगा आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। सुना आपने, आप मेरी सबसे पहले वीडियोस देख सकते हो और मज़ा ले सकते हो। तो अब जो सारी वीडियोस आने वाली हैं वो ऐसी आने वाली है, कुक विद फन, तो बनाओ मज़े में बनाओ। तो अगर ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताओ कैसी लगी रेसिपी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी, तब तक के लिए राम राम।